नमस्कार। पिछले हफ्ते कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में एक मंदिर के जहरीले प्रसाद के कारण 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग आज अस्पताल में दाखिल हैं। पुलिस की जांच के अनुसार 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें मंदिर के पुजारी के साथ 3 ट्रस्टियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अंबिका नाम की एक महिला है और उनके पति मदेशा है और साथ में दोदैया थंबाड़ी नाम के व्यक्ति भी है। आज हम आपको ऑल्ट न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह इस घटना को एक सांप्रदायिक रंग देकर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। गिरफ्तार हुए लोगों में एक महिला का नाम भी शामिल है, जिनका नाम अंबिका है। दावा ये किया गया है कि गिरफ्तार हुए महिला का पूरा नाम सिल्विया अंबिका है और वो ईसाई धर्म की है। ये घटना 14 दिसंबर 2018 को घटित हुई थी और चंद ही दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा, खासकर ट्विटर पर, और बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसको शेयर किया है। इनमें से एक है मीना दास नारायण, जो कि एक पत्रकार होने के साथ साथ एक फिल्म निर्माता भी है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं। और ये दावा यहाँ तक ही नहीं, फेसबुक तक भी पहुँच चुका है और मीडिया पर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मीडिया भी इसको छुपाने की कोशिश कर रही है। तो सच क्या है? क्या ये घटना ईसाई धर्म के फॉलोअर द्वारा रचाया गया कोई षड्यंत्र है, जैसे कि दावा किया गया है? सच जानने के लिए जब हमने कर्नाटका पुलिस का संपर्क किया तो ऑल्ट न्यूज़ से बात करते हुए चामराजनगर जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस धर्मेंद्र कुमार मीणा ने इस दावे को सरासर झूठा बताया और ये कहा कि अंबिका पुजारी की दूर की रिश्तेदार है, वो दोनों एक ही कौम के एक ही गांव के हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पुजारी और अंबिका ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। तो सच ये है कि आरोपी अंबिका ना तो ईसाई है और ऐसी कोई भी बात को ना ही मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमने देखे हैं, जिसमें सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का संगठित प्रयास किया जाता है। सोशल मीडिया यूजर्स से हमारा निवेदन है कि ऐसी कोई भी खबरों को बिना परखे, बिना जांच किए ना लाइक करें ना शेयर करें। धन्यवाद।